हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस में। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप सब सहयोग करते हैं उसके लिए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इफ़्ला, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसके जो भी जुड़े तथ्य हैं या इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उन सब के ऊपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। और इसके ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे जो भी इफ़्ला की संरचना है, इसके जो कार्य हैं, इसके उद्देश्य या इसका जो भी जो ये प्रकाशन करता है, उन सब से जुड़े जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं उन सब के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो मैं ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि जो शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं इफ़्ला के बारे में मिले। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले आता है कि इफ़्ला का पूरा नाम क्या है। तो इफ़्ला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो सेकंड बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1927 को, और कहाँ पे हुई थी, ये थी एडिनबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है, यूके, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके आगे चलते हैं कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में, यानी हेग जो नीदरलैंड में पड़ता है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो देखिए अगला है कि भाई ये कैसी संस्था है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है, और ये एक स्वतंत्र संस्था है, या अपन बोल सकते हैं कि ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि ये किसी भी लाभ के उद्देश्य से स्थापित नहीं की गई है, ये गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं जैसे भाई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघ भी इसको बोला जाता है। अगला आता है कि भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गेलोरिया पेरेज सेलिमरॉन, तो ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि इसके वर्तमान महासचिव कौन है। तो इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो है जेराल्ड लिटनर। इसी के साथ जो इसका नेक्स्ट बनता है कि भारत ने इफ़्ला की सदस्यता कब ली। तो भारत ने इफ़्ला की सदस्यता ली थी 1930 में, और वर्तमान में इसमें 150 देशों से लगभग 1600 इसके संघ इसके सदस्य बन चुके हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसके अपन देख सकते हैं कि कार्य में ये क्या क्या कार्य करता है। तो इसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुस्तकालय और सूचना पेशेवर जो भी लोग हैं उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है, या अपन कह सकते हैं कि जो भी पुस्तकालय हैं उनके जो कार्यकलाप होते हैं उनमें ये सहयोग प्रदान करता है। इसके साथ साथ सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या लोकतांत्रिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये यूनिवर्सली न्याय संगत पहुंच को बढ़ावा ये देता है। तो ये इफ़्ला के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी कि भाई इफ़्ला कहाँ पे स्थापित है, कहाँ है इसका मुख्यालय। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इफ़्ला के उद्देश्य क्या है। तो देखिए इफ़्ला के उद्देश्य वही है अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य में यही है कि जो पुस्तकालयों की जो क्रियाकलाप है उस क्षेत्र को सहयोग प्रदान ये करता है कि पुस्तकालय के जो भी कार्यक्रम हों उसको बढ़ावा देने के लिए सारा सहयोग इफ़्ला के द्वारा दिया जाता है, या वो आर्थिक हो या तकनीकी सहायता, ये इफ़्ला इसको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व समझौते को बढ़ावा देता, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुस्तकालय या पुस्तकालय कर्मी हैं उनके हितों के मामलों का ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उनके हितों की रक्षा के लिए ये सारा जिम्मेदारी इफ़्ला अपने ऊपर उठाता है। नेक्स्ट है कि अविकसित देशों में ग्रंथालय की गतिविधियों का विकास, यानी कि वो देश जो अभी अविकसित या विकासशील हैं उन देशों में जो पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों के विकास के लिए ये जागरूकता पैदा करता है, ठीक है, उनको सहयोग प्रदान करता है, ये कार्य इफ़्ला के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए वो क्या करता है कि प्रशिक्षण चलाता है स्कूलों के कार्यक्रमों में, उसकी व्यवस्था करता है वहाँ पे जो भी उनके उद्देश्य प्राप्ति के लिए, तो ये इफ़्ला के कार्य में गिना जाता है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी कर्मियों को निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी जो भी कर्मी है, लाइब्रेरी कर्मी अपन बोलते हैं लाइब्रेरियन, या उनकी शिक्षाओं को निरंतर बढ़ावा देना है कि जो भी नए नए अपडेट होते हैं, या अपन बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर लाइब्रेरी वर्क से रिलेटेड, उन सब की शिक्षा को बढ़ावा देना भी ये इफ़्ला का कार्य है। नेक्स्ट है शोध कार्यों को बढ़ावा देना,
तो शोध कार्यों में जो भी सहयोग होता है वो इफ्ला के द्वारा दिया जाता है, तो ये इसके प्रमुख उद्देश्यों में आते हैं। नेक्स्ट है संरचना, कि भाई इफ्ला की संरचना किस तरीके से है, या अपन बोल सकते हैं कि इफ्ला का ढांचा किस प्रकार का है। तो देखिए सबसे पहले आता है काउंसिल। देखिए काउंसिल में क्या होता है, काउंसिल बोला जाता है कि जो भी उसके सामान्य सदस्य हैं इफ़्ला के, जो भी सामान्य सदस्य हैं उन सदस्यों की बैठक के नाम को ही काउंसिल बोला जाता है। और जो ये काउंसिल है ये इफ़्ला का सर्वोच्चतम अंग है, यानी कि सबसे जो ऊपर कार्यकारी समिति होती है, ये अपन बोल सकते हैं वही काउंसिल बोला जाता है। अब देखिए इस काउंसिल का कार्य क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि इस काउंसिल का कार्य होता है नीति निर्धारण का, यानी जो भी नीति निर्धारण का कार्य होगा वो कौन करेगा, काउंसिल करेगा। इसके साथ ही जो कार्यकारी परिषद होती है उसको मनोनीत करने का कार्य भी ये काउंसिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है कार्यकारी परिषद, कि कार्यकारी परिषद क्या है। अभी बताया मैंने आपको कि काउंसिल के द्वारा इस कार्यकारी परिषद को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और जो इस कार्यकारी परिषद है इसका कार्य क्या है ये भी आप नोट कर लीजिए। कार्यकारी परिषद का कार्य है कि जो भी सामान्य व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि उस फेडरेशन के प्रशासन और व्यवस्थापन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो कार्यकारी परिषद देखता है, या अपन बोल सकते हैं कि जो भी फेडरेशन के प्रशासनिक व्यवस्थापन कार्य का जो भी अधिकार होता है वो कार्यकारी परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक परिषद। तो देखिए व्यावसायिक परिषद क्या होता है, व्यावसायिक परिषद की इसमें दिया गया है कि व्यावसायिक परिषद की कितनी संख्या हो सकती है, 49, यानी 49 इनकी संख्या हो सकती है व्यावसायिक परिषद के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो इसके साथ अपन इसको इसमें जो आता है कि भाई इसके इफ़्ला के कितने विभागों के इसमें जो कितने सदस्य होते हैं इस व्यावसायिक परिषद में, तो इफ़्ला के 8 विभागों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए जो व्यावसायिक परिषद है इसका कार्य फेडरेशन के व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन और उनका आपस में तालमेल बिठाने का कार्य ये व्यावसायिक परिषद करता है। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो संरचना ढांचा में आता है वो है विभाग। तो देखिए विभाग की संख्या कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके 8 विभाग है और इस 8 विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो व्यावसायिक परिषद के, उसको व्यावसायिक परिषद में 8 विभाग के इसके अध्यक्ष व्यावसायिक परिषद के कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, तो वही 8 इसके विभाग है। तो विभागों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो और इस विभाग का कार्य क्या होता है ये भी आप नोट कर लीजिए। विभाग का कार्य होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि व्यवसाय कार्यों को जो भी तालमेल बिठाने का कार्य करता है वो कौन करता है, विभाग। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुभाग। तो देखिए अनुभाग की संरचना संख्याएँ कितनी है, तो अनुभाग की संख्याएँ हैं 32। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न विषय हैं उन विभिन्न विषयों के ऊपर जो विभिन्न अनुभाग बनते हैं उस अनुभाग की एक कंप्लीटली संरचना इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका जो बोल सकते हैं भाई इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे भाई सरकारी पुस्तकालय का अनुभाग इसके अंदर आते हैं, पार्लियामेंट पुस्तकालय का अनुभाग इसके अंदर, तो वो सब अनुभाग मिलके इस अनुभाग की संरचना की निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें स्टैंडिंग समितियों के 400 विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। तो ये इसकी संरचना है इसकी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इफ़्ला की संरचना या इसकी जो ढांचा होता है वो किस प्रकार का होता है। इसमें सबसे ऊपर आता है काउंसिल, काउंसिल के बाद में कार्यकारी परिषद, व्यावसायिक परिषद, व्यावसायिक परिषद मैंने बता दिया आपको 49 सदस्य होते हैं, और इफ़्ला के जो 8 विभाग है उनके अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद में आता है विभाग और लास्ट वन आता है अनुभाग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कि विशेषताएं, कि इफ़्ला की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले तो ये एक स्वतंत्र संगठन है, मैंने आपको बताया दिया था कि ये एक गैर सरकारी संगठन है और गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि इसका उद्देश्य कोई भी लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। और स्वतंत्र संगठन मतलब इसके ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण और आधिपत्य नहीं है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के पुस्तकालय संघों का महासंघ है, मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था कि पुस्तकालय संघों का इसको महासंघ भी बोला जाता है, तो ये इसकी विशेषता है। यानी कि किसी भी देश के पुस्तकालय संघ जो सदस्य हैं इसके, आपस में बहुत सारे पुस्तकालय संघ जो आपस सदस्य इसके बनेंगे, तो उन सब संघों का ये महासंघ कहलाता है। ठीक है, तो इसका भाई कोई भी देश कैसे सदस्य बन सकता है इफ़्ला का, तो वो है कि कोई भी देश जो अपना पुस्तकालय संघ है उसका प्रतिनिधि भेजकर इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है,
इसके साथ साथ इसमें ये नहीं कि इस महासंघ की सदस्यता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक देश इसका सदस्य हो, ये ऐसी कोई इसकी अनिवार्यता नहीं है। नेक्स्ट है इसके कार्य, इसके कार्य क्या क्या है उसके ऊपर भी अपन एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले आता है विशेषज्ञ सलाहकार। तो देखिए विशेषज्ञ सलाहकार में क्या होता है कि जो भी विभिन्न देशों के पुस्तकालय सेवाओं को योजना और उनके विकास के लिए ये अपनी विशेषज्ञों की ये परामर्श देता है, यानी उन्हें ये सलाह प्रोवाइड कराता है कि उनके सभी देशों के पुस्तकालय के विकास के लिए ये अपनी सलाह देता है। तो ये इसका विशेषज्ञ सलाहकार का कार्य भी ये करता है। नेक्स्ट है योजनाओं में सहायता, यानी कि जो भी पुस्तकालय हैं और जिन पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं, तो उन योजनाओं को ये आर्थिक या अपन बोल सकते हैं तकनीकी सहायताएं ये उसको देता है, ये इफ्ला के कार्य में आता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वकालत, यानी सार्वजनिक वकालत में क्या होता है कि किसी भी संस्था या बोल सकते हैं कि किसी भी देश की सरकार के अंतर्गत जो भी पुस्तकालय और जो पुस्तकालय कर्मी या पुस्तकालय कर्मचारी होते हैं उन पुस्तकालय कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ये हमेशा उनकी वकालत या उनकी पैरवी करता है। नेक्स्ट है यूनेस्को से धन लेने में पथ प्रदर्शन, यानी कि किसी भी पुस्तकालय के विकास के लिए यूनेस्को से धन प्राप्त करने के लिए जो गाइडलाइन ये देता है उसको पथ प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से विकास के लिए यूनेस्को से धन या उसे आर्थिक सहायता लेने में कैसे ली जाए, तो ये उसका ये गाइडलाइन जारी भी करता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय संघों का विकास, यानी कि संघों के पुनरुद्धार के लिए उनको उत्साहित करता है और उनसे आपस में सहयोग बना करके, ठीक है, उन सहयोग के द्वारा उन पुस्तकालय संघों का ये विकास करने का कार्य भी इफ्ला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विकासशील देशों की सहायता। शुरू में भी मैंने बताया था कि जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों में पुस्तकालय के विकास के लिए, ठीक है, ये पुस्तकालय विकास के लिए अपनी आर्थिक सेवाएँ या महासंघ जो भी अपनी सेवा देकर उनकी सहायता प्रदान करता है, तो ये भी एक उसका इफ्ला का कार्य में आता है। नेक्स्ट है सम्मेलनों का आयोजन, यानी सम्मेलनों का आयोजन में पता चलता है कैसा है कि जितने भी संघ हैं सभी देशों के संघ या बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र से जो सम्मेलन और सभाओं का आयोजन करना होता है वो कार्य भी इफ्ला के द्वारा किया जाता है। तो ये उसके कार्य हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ्ला के कार्य कौन कौन से हैं, विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में, योजनाओं में सहायता करना, सार्वजनिक वकालत करना, यूनेस्को से धन लेने में पथ प्रदर्शित करना, नेक्स्ट है पुस्तकालय संघों का विकास, उसके बाद विकासशील देशों की सहायता करना, या आर्थिक हो या तकनीकी हो दोनों तरीक़ों से ये सहायता प्रदान करता है, उसके बाद है सम्मेलनों का आयोजन। तो ये इसके कार्य थे। नेक्स्ट अपन चलते हैं कोर कार्य विधियाँ। देखिए कोर कार्य विधियाँ इफ्ला के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको हर एक के ऊपर डिटेल से बता रहा हूँ, तो चलिए इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। पहला आता है UBCIM, यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रंथ सूची नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय मार्क, इसको अपन बोल सकते हैं। तो देखिए UBCIM क्या है, ये क्या है, न्यूनतम स्तंभ या न्यूनतम यानी नीचे के स्तर पर न्यूनतम स्तर प्राधिकरण रिकॉर्ड्स और ISADN पर कार्यकारी समूह है, ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा संसाधन प्राधिकरण रिकॉर्ड्स के लिए ये अनिवार्य डेटा तत्व बोल सकते हैं इसको अपन, तो ठीक है। और UBCIM की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1948 में। नेक्स्ट अपना आता है UAP, यानी यूनिवर्सल अवेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, हिंदी में अपन बोल सकते हैं प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता। तो देखिए इसमें दो ही चीज़ें आप याद करना है, यूएपी शुरू कब हुआ था 1970 में, लेकिन इसको बंद कर दिया गया और बंद कर दिया 31 मार्च 2003 को, ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट अपना आता है PSC, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, परिरक्षण एवं संरक्षण, तो इसके बारे में भी दो तीन बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसमें आता है पहला तो भाई इसको कब स्थापित किया गया था, तो देखिए जो PSC है परिरक्षण एवं संरक्षण, इसको स्थापित किया था 1984 में, ठीक है, और ये इसका कार्य क्या है वो भी आप नोट कर लीजिए कि दुनिया भर में किसी भी रूप में पुस्तकालय और उसके जो संग्रह सामग्री है उसको संरक्षित करने के प्रयासों पर ये केंद्रित है, यानी उन्हें संरक्षण करना परिरक्षण करना इस PSC का कार्य है। नेक्स्ट है UDT, यानी कि
यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सार्वभौमिक डेटा फ्लो और दूरसंचार, ठीक है। तो देखिए इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है गतिविधियों पर संसाधन साझाकरण और सूचना नेटवर्क प्रोवाइड कराना, इस यूडीटी का कार्य है। मैं रिपीट कर देता हूँ, गतिविधियों पर संसाधन साझाकरण और सूचना नेटवर्क प्रोवाइड कराना यूडीटी यानी कि यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन का कार्य है। नेक्स्ट है ALP यानी कि एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड। देखिए इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1984 में, और ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य है कि मजबूत पुस्तकालय संघ का निर्माण करना, ठीक है। यानी कि ये कार्यक्रम विकास और जो संक्रमण देश हैं उनको छोटा छोटा अनुदान प्रदान करना और परियोजनाओं को एक श्रृंखला के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण के लिए ये उसका समर्थन करता है, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे समूहों पे उन्हें उनके क्षमता के अनुसार उनका सहयोग करना और उनका निर्माण करने में ये उसका समर्थन देता है, तब जाकर ही इसका जो उद्देश्य है मजबूत पुस्तकालय संघ का निर्माण करना वो इस ALP में आता है, यानी कि एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड। तो ये इसकी कोर विधियाँ हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इफ्ला की कौन कौन सी कोर विधियाँ हैं, जो कार्यक्रम इनका चल रहा है इसका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाशन, कि इफ्ला के द्वारा कौन कौन से चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं, तो उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रकाशन में पहला आता है इफ्ला जर्नल, इफ्ला जर्नल है जो त्रैमासिक पत्रिका है और यह पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र में एक अकादमिक पत्रिका है, यानी कि हर 3 महीने में इसका प्रकाशन किया जाता है इफ्ला के द्वारा। नेक्स्ट है इफ्ला एनुअल, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है एनुअल यानी कि वार्षिकी होगा, और वार्षिकी क्या है इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें शब्दकोश, विश्वकोश, पत्रिकाएँ, वार्षिकी, पंचांग वगैरह, इन सब में सबसे डिटेल से सारा समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, या आप प्ले लिस्ट वीडियोज़ में जाकर भी आपको ये पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद है मुझे। इसी के बाद नेक्स्ट आता है इफ्ला ट्रेंड्स, तो देखिए इफ्ला ट्रेंड्स की जो प्रकाशन अवधि है वो है हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 मंथ में इफ्ला अपना इसका प्रकाशन करता है इफ्ला ट्रेंड्स का। इसके बाद में आता है इफ्ला, इसको मिस्टिंग ये थोड़ा ए है, इसको आप आई कर लीजिएगा, इफ्ला कम्युनिकेशन ए बिब्लियोग्राफी ऑफ इफ्ला कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ठीक है। तो जो इसका जो प्रकाशन करता है वो भी वार्षिक ही होता है इफ्ला के द्वारा, वर्ष भर में इसका एक बार प्रकाशन किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक विभाग तथा अनुभाग के समाचार पत्र, विभाग और अनुभाग क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर इसके बारे में, ठीक है। तो उसका जो समाचार पत्र निकलता है उसका भी प्रकाशन इफ्ला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इफ्ला स्टेट्स एंड रूल्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है, इसका प्रकाशन भी इफ्ला के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ इफ्ला हर साल 4 मोनोग्राफ भी निकालता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इफ्ला हर साल 4 मोनोग्राफ निकालता है। और इसके अलावा लगभग 250 से ऊपर इफ्ला के द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा दी गई इफ्ला की थोड़ी बहुत जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और आप क्या कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको उन टॉपिक्स पर वीडियोस प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो भी हम नई वीडियोस डालें उसका अपडेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, बाय।